हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नाइव बेस क्लासिफायर के बारे में। ये जो मैं कंटेंट प्रेफर कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ गिग्स फॉर किग्स से। जो कि बहुत ही अच्छी और ट्रस्टेबल वेबसाइट है यार। अगर आपको और भी जानकारी इसके बारे में चाहिए तो आप इसकी वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर जाकर इसके बारे में और भी देख सकते हैं आप इस टॉपिक के बारे में। नाइव बेस क्लासीफायर है आर द कलेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स बेस्ड ऑन बायस थ्योरम। ये जो है वो बायस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। देखिए यार, आपने सुना होगा आपके 12th क्लास के अंदर भी बेस थ्योरम आई थी और इंजीनियरिंग लेवल पे भी बेस थ्योरम आपने पढ़ी होगी लीनियर अलजेब्रा के अंदर, ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक है मैंने पढ़ाया भी है पहले भी। बेस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। ये जो क्लासीफायर्स है, नाइव बायस जो क्लासीफायर्स है आर अ कलेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स बेस्ड ऑन बायस एल्गोरिदम ओनली। इट इज नॉट अ सिंगल एल्गोरिदम, कोई एक सिंगल एल्गोरिदम नहीं है, बट अ फैमिली ऑफ एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स की फैमिली है वेयर ऑल ऑफ देम शेयर अ कॉमन प्रिंसिपल। सब के अंदर एक कॉमन प्रिंसिपल है, क्या है? दैट इज एवरी पेयर ऑफ फीचर्स बीइंग क्लासिफाइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हर एक जो पेयर है पेयर ऑफ फीचर है वो क्लासिफाई किया जा रहा है, लेकिन एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली। कोई भी एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पर, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे को हम क्लासिफाई कर रहे हैं। हर एक फीचर को इंडिपेंडेंटली यहाँ पर क्लासिफाई कर रहे हैं और सबके अंदर ये कॉमन आइडिया है। टू स्टार्ट विथ लेट अस कंसिडर अ डेटा सेट। एक डेटा सेट को कंसिडर करो। कंसिडर फिक्शन डेटा सेट दैट डिस्क्राइब द वेदर कंडीशन फॉर प्लेइंग अ गेम ऑफ गोल्फ। गिवन द वेदर कंडीशन ईच टपल क्लासीफाई द कंडीशन एज फिट यस और अनफिट नो फॉर प्लेइंग गोल्फ। सपोज कि आउटलुक रेनी सीजन है, टेम्परेचर हॉट है, ह्यूमिडिटी हाई है, विंड फॉल्स है, तो भाई गोल्फ मत खेलने जाओ। रेनी सीजन है, हॉट टेम्परेचर है, यार क्यों जा रहे हो? ह्यूमिडिटी सब हाई है और विंड चल नहीं रही है। जाना कब है? जब ओवरकास्ट हो। टेम्परेचर हॉट है, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमिडिटी हाई है, कोई दिक्कत नहीं है। विंड नहीं चल रही है, ठीक है, लेकिन ओवरकास्ट पे है, सनी है, यहाँ पर भी टेम्परेचर मिल्ड पे चलेगा, ह्यूमिडिटी हाई चलेगी। इस तरीके से हमने मतलब हर एक फीचर के लिए जो आउटपुट है उसको अलग तरीके से क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन दो पार्ट में हो रही है, यस और नो के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा डेटा हो गया हमारे पास में। द डेटा सेट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, नेमली फीचर मैट्रिक्स एंड रेस्पॉन्स वैक्टर। यहाँ पर फीचर मैट्रिक्स और रेस्पॉन्स वेक्टर के अंदर हमारा जो डेटा है वो डिवाइडेड है। तो ये वाला हो गया वो रेस्पॉन्स, ये वाला तो प्ले गोल्फ हो गया रेस्पॉन्स वेक्टर, और ये पूरी होगी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्यों हो गई? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स ज्यादा है। यहाँ पर जो रो है वो एक ही है, एक रो ही बनेगी, एक रो लेकिन कॉलम ज्यादा है, या फिर कॉलम ज्यादा समझ लो या रो कॉलम एक समझ लो या रो बहुत सारी समझ लो, तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं, कॉलम वेक्टर या रो वेक्टर, ठीक है। फीचर मैट्रिक्स कंटेन ऑल द वेक्टर रोज ऑफ डेटा सेट इन विच ईच वेक्टर कंसिस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट फीचर्स इन अबाउट डेटा सेट। फीचर्स आर आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। विंडी रेस्पॉन्स वेक्टर जो मैंने आपको अभी अभी बताया है, प्ले गोल्फ और नॉट, ये पर्टिकुलर जो है ये आपका वेक्टर हो गया रेस्पॉन्स वेक्टर। अब अजम्पशन है कि फंडामेंटल नाइव जो बायस अजम्पशन इज दैट ईच फीचर मेक्स एन इंडिपेंडेंट और इक्वल, ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट एंड इक्वल कंट्रीब्यूट टू द आउटकम विद रिलेशन ऑफ आवर डेटा सेट। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी अंडरस्टूड एज वी अज्यूम दैट नो पेयर ऑफ फीचर्स आर डिपेंडेंट। कोई भी जो पेयर्स ऑफ फीचर्स हैं वो डिपेंडेंट नहीं है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर बींग हॉट हैज नथिंग टू डू विद द ह्यूमिडिटी और आउटलुक बीन रेनी, हैज नो इफेक्ट ऑन विंड्स एंड द फीचर्स आर अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट। देखिए बारिश आ रही है, इसके ह्यूमिडिटी से कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, तो हर एक जो फीचर है वो इंडिपेंडेंट है यहाँ पर, ठीक है। हैंस द फीचर आर अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट। सेकेंडली क्या है, ईच फीचर इज गिवन द सेम वेट, सबकी जो इंपॉर्टेंस है वो बराबर है। फॉर एग्जाम्पल नोइंग ओनली टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अलोन कैन नॉट प्रिडिक्ट द आउटकम एक्यूरेटली। नन ऑफ द आट्रीब्यूट इज इररेलीवेंट एंड अज्यूम टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू दी आउटपुट। तो कह रहा है कि भाई हर एक जो फीचर है उसकी इंपॉर्टेंस बराबर है, ऐसा नहीं है कि आप दो से आउटपुट को प्रेडिक्ट कर दोगे, सबकी इंपॉर्टेंस एक जैसी है। नोट द अजम्पशन मेड बाय नाइव बायस आर नॉट जनरली करेक्ट।
इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन. इनफैक्ट द इंडिपेंडेंस अजम्पशन इज नेवर करेक्ट बट ऑफन वर्क्स वेल इन प्रैक्टिस. देखो यार, रियल वर्ल्ड में कभी काम नहीं करता. आप ये कह दो कि यार ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रेन तो नहीं है, तो इस तरीके से ये रियल वर्ल्ड में कभी काम नहीं करेगा. लेकिन हम क्योंकि हमें समझना है इसलिए समझ रहे हैं. ठीक है, सो नाउ बिफोर मूविंग टू दी फॉर्मूला फॉर बायस, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट बायस थ्योरम. होता क्या भाई बायस थ्योरम? नाइव बायस के ऊपर जाने से पहले बायस थ्योरम तो समझ लो क्या है. बायस थ्योरम फाइंड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड. दो इवेंट है, बी एक इवेंट है, ए एक इवेंट है, बी ऑलरेडी अकर हो चुका है. ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूं. ठीक है, तो यहां पर आप समझिए कि अपने पास दो इवेंट है, ठीक है, बी और ए. अब कह रहा है कि जो बी है वो हो चुका है, उस वो जो इवेंट है वो हो चुका है. तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे अपन डिटरमाइन करेंगे? पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो जब ए हो चुका है. ए की अलोन स्टैंड अलोन प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो ए और बी यहाँ पर दो इवेंट है जिसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए. मतलब कि इसकी होने की जो संभावना, ऐसे नहीं हो कि वो जीरो हो, कि ये इवेंट हुआ ही नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी इज ट्रू. इवेंट बी इज ऑल्सो टर्म्ड एज एविडेंस. वो एक एविडेंस के ऐसे भी है कि यार ये जो इवेंट है ये हो चुका है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज द प्रायोरिटी ऑफ ए, द प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी बिफोर एविडेंस इज सीन. द एविडेंस इज एन एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ एन अननोन इंस्टेंस. हेयर इट इज एन इवेंट बी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड इज द पोस्टीरियरली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आफ्टर एविडेंस इज सीन. नाउ विद रिगार्ड टू आवर डेटा सेट वी कैन अप्लाई बायस थ्योरम इन दी फॉलोइंग वे. किस तरीके से हम जो आउटपुट है वाई, हम ये देखेंगे कि रेनी हुआ या नहीं हुआ, रेन होगी या नहीं होगी, कब? जब ये जो एक्स है वो हो चुके हैं, मतलब कि एक्स के जो फीचर्स हैं जितने भी नंबर ऑफ फीचर्स हैं वो हो चुके हैं. अब इनकी स्टैंड अलोन अपन प्रॉबिलिटी जानेंगे. जब वाई हो चुका है इनकी प्रॉबिलिटी देखेंगे, स्टैंड अलोन वाई की प्रॉबिलिटी देखेंगे और एक्स की प्रोबेबिलिटी, स्टैंड अलोन एक्स की प्रोबेबिलिटी, इन सब की निकाल कर वेयर वाई इज द क्लास वेरिएबल एंड एक्स इज अ डिपेंडेंट फीचर्स वेरिएबल ऑफ साइज एंड वेयर एक्स जो है वो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन जो हाई रेनी जो मैंने बताया था ना, एक्स ये हो गया रेनी हॉट हाई फॉल्स और वाई हो गया यस या नो. सो जस्ट टू क्लियर एन एग्जाम्पल वी टेक दिस एज एन एग्जाम्पल. सो बेसिकली पी डिवाइडेड बाई एक्स हेयर मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्लेइंग गोल्फ पी वाई एक्स. इसका मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब हम गोल्फ नहीं खेल रहे हैं गिवन दैट द वेदर कंडीशन आर रेनी आउटलुक, टेम्परेचर इज हॉट, ह्यूमिडिटी हाई एंड नो विंड. सो इस तरीके से हम ये जानना चाहते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए. इसका मतलब यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्लेइंग गोल्फ कितनी होगी जब ये पर्टिकुलर फीचर है रेनी आउटलुक है और टेम्परेचर हॉट है, ह्यूमिडिटी हाई है और विंड कोई विंड नहीं है. ठीक है, अब नाइव अजम्पशन क्या है? अब हमने ऊपर तो देख लिया कि बेस थ्योरम क्या है, अब नाइव अजम्पशन समझेंगे. नाउ इट्स टाइम टू पुट अ नाइव अजम्पशन टू द बायस थ्योरम. नाइव अजम्पशन को हम बायस थ्योरम के साथ में जोड़ेंगे विच इज इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस अमंग द फीचर्स, जो कि इंडिपेंडेंस है फीचर के अमंग ही. सो नाउ वी स्प्लिट एविडेंस इन टू द इंडिपेंडेंट पार्ट. नाउ इफ एनी टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन इनकी जो प्रॉबिलिटी होगी वो हमें पता ही है मल्टीप्लाई होता है पी ऑफ ए. जब दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इनकी प्रॉबिलिटी पी ए इंटू बी हो. तो हम हैंस वी रीच टू द रिजल्ट, हम एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे. इसकी जो प्रॉबिलिटी आएगी वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी. देखो ये इससे एसोसिएटेड है तो मतलब अपन क्या करेंगे इन सब की कुछ इस तरीके से निकालेंगे, इन सब की प्रोबेबिलिटी अलग 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 निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई से. इसलिए कहते हैं इंडिपेंडेंसी. ठीक है, कोई भी एक किसी मतलब कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम ये यहाँ पर मान के चल रहे हैं. सो जब हम इसको कन्वर्ट किया, ये तो यार सीधी सी बात है, ये तो इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है इतना. मैं थोड़ा सा आपको उतारता हूँ. देखो जब हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बताओ जब एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन है। तो वैसे क्या होता है फॉर्मूला, अगर ए और बी के टर्म में देखें तो यहाँ पर ये बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है ना। अब यही इसके साथ में इस केस में होगा, एक्स वन वाई क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, एक्स टू वाई अप टू एक्स एन वाई, और लास्ट में एट लास्ट हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी स्टैंड अलोन वाई की होने की प्रोबेबिलिटी स्टैंड अलोन कितनी है, ठीक है। सो और डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली दिस बी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अप टू एन, सो ये हमारा हो गया क्योंकि ये सारे इंडिपेंडेंट है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो नीचे वाला तो इंडिपेंडेंसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो नाउ एज द डिनोमिनेटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर द गिवन, ये देखो यहाँ पर ये फॉर्मूले को ही हमने इस तरीके से वो किया है। सो नाउ वी नीड टू क्रिएट अ क्लासीफाई क्लासीफायर मॉडल फॉर दिस, वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन सेट ऑफ इनपुट्स फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द क्लास वेरिएबल वाई एंड पिक अप द आउटपुट विद द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एज वाई इक्वल टू आर्ग्यूमेंट मैक्स वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, और इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई देख रहे हैं जहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आई इक्वल टू वन से लेकर एन तक ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरीके से। सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद द टास्क ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एक्स आई फॉर पर्टिकुलर वेन वाई हैज बिन अकर्ड। सो प्लीज नोट दैट पी वाई इज द प्रोबेबिलिटी कॉल्ड क्लास प्रोबेबिलिटी एंड पी एक्स आई वाई इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। डिफरेंट नाइव बायस क्लासीफायर डिफरेंट डिफर मेनली बाय द अजम्पशन दे मेक रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब कि जो डिफरेंट जो नाइव बेस क्लासिफायर है वो डिफर करता है किसके आधार पे, मेनली बाय द अजम्पशन दे मेक रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, किस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। लेट अस ट्राई टू अप्लाई द अबव फॉर्मूला मेनली ऑन आवर वेदर डेटा सेट। फॉर दिस वी नीड टू डू सम प्री कंप्यूटेशन ऑन आवर डेटा सेट। सो वी नीड टू फाइंड पी एक्स आई वाई जे फॉर ईच एक्स आई इन एक्स एंड वाई जे इन वाई, ऑफ ऑल दीज कैलकुलेशन हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन दिस टेबल, सो एज यू कैन सी हेयर। सो सनी ओवरकास्ट रेनी, सो दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर टेम्परेचर एसोसिएटेड फॉर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विंड। सो हम अलग अलग सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। देखो सनी है तब बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सनी है तब नहीं होने की कितनी है, ठीक है। इस हिसाब से हम यस और नो की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। यस और नो की कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है 9 है और उसमें से बारिश कितनी बार हो रही है सनी में, 2 बार। इस तरीके से अपन सारी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। इसी तरीके से टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विंड सबकी निकाल लिया अलग 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 अलग, ठीक है निकाल कर। सो इफ द फिगर अबो वी हैव कैलकुलेटेड दिस फॉर ईच ये मैनुअली इन द टेबल, सो हेयर यू कैन सी दैट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग गोल्फ गिवन दैट द टेम्परेचर इज कूल इज दैट, की प्रॉबिलिटी ऑफ टेम्परेचर वेन टेम्परेचर इज कूल, सो इट विल बी एंड वी वॉन्ट टू प्ले गोल्फ, सो यस वी आर प्लेइंग गोल्फ, सो इट विल बी 3/9, 3/9, सो लाइक दैट यू कैन डिटरमाइन। सो लेट अस टेस्ट इट ऑन अ न्यू सेट ऑफ फीचर, लेट्स कॉल टूडे इज सनी हॉट नॉर्मल एंड फॉल्स। सो द प्रॉबिलिटी ऑफ प्लेइंग गोल्फ इज गिवन बाई, हमारी प्रोबेबिलिटी यस एंड टुडे कैसे आ जाएगी, सनी आउटलुक, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर और नो के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। सो हम सीधा क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे, हमारी ऊपर वाली वैल्यूज डालेंगे तो यस की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी एंड नो की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी, और दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से तो यार मॉडल काम करता है, मॉडल के अंदर मैथमेटिक्स ही तो है, मशीन लर्निंग कुछ नहीं है भाई मेरे, मैथमेटिक्स है, पूरी पूरी मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है यार। ये बायस थ्योरम देख लो तुम, इसको अपने दिल से लगा लो, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। ये बता देगा कि किसकी वजह से क्या चीज हो रही है, किसकी वजह से क्या चीज नहीं हो रही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया। देखो आज अगर मैं टुडे की होने की प्रॉबिलिटी देखूँ तो उस हिसाब से डिवाइडेड बाय प्रॉबिलिटी ऑफ टुडे मैंने किया, तो ये हमें पता ही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन सबके मल्टीप्लीकेशन के, जो कि इक्वल टू है ये,
और इसी तरीके से ये, ठीक है। हमारा ये डेटा आ गया, तो हमें पता है कि यस की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमें ज़्यादा नज़र आ रही है कंपेयर टू नो के। तो प्रेडिक्शन दैट गोल्फ वुड बी प्लेड इज यस। सो द मेथड दैट वी डिस्कस्ड अबो इज एप्लीकेबल फॉर डिस्क्रीट डेटा। इन केस ऑफ कंटिन्यूस डेटा वी नीड टू मेक श्योर अजम्पशन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल। द डिफरेंट नाइव बायस क्लासिफायर डिफर्स मेनली बाय द अजम्पशन दे मेक रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस डेटा। नाउ वी डिस्कस वन वन ऑफ सच क्लासीफायर हेयर इज गॉसियन नाइव बायस क्लासीफायर। द गॉसियन नाइव बायस कंटिन्यूअस वैल्यू एसोसिएटेड विद ईच फीचर आर अज्यूम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आधारित है। अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस टिपिकली अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी, हमारे पास में कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। इंटीग्रेशन से बेसिकली हम निकालते हैं इसको, और इसका जो प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन है वो ये है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये दोनों ये है, ठीक है। ये हमारा ये आ गया, ठीक है। अनप्लॉटेड, देखो डिस्क्रीट के लिए अलग होती है और कंटिन्यूअस के लिए अलग होती है। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी अलग होती है, कंटिन्यूअस के अंदर सारे वैल्यूज कंसिडर होते हैं, वहीं डिस्क्रीट के अंदर हम एक पर्टिकुलर पूछते हैं भाई 1 के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी, 2 के लिए कितनी है, 3 के लिए कितनी है। लेकिन यहाँ पर 1, 2, 3 नहीं चलता है, यहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है। ऊपर देखो ये डिस्क्रीट है, सारी वैल्यू डिस्क्रीट है, ठीक है। सनी एक डिस्क्रीट वैल्यू को ये 0, 1, 2, 3 में हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी बात हो यहाँ पर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स की बात हो तब हम कैसे करेंगे उसको, तो उसके लिए हमारे पास में गॉसियन है। अपडेटेड टेबल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर आउटलुक फीचर इज एज फॉलोइंग। द लाइकलीहुड ऑफ द फीचर इज अज्यूम टू बी ए गॉसियन, हैंस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय इस तरीके से। ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है इसकी। सो नाउ वी लुक एट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गॉसियन नाइव बायस यूजिंग स्किट लर्न। देखो मैं यहाँ पर इस तरीके से ये मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको, है ना, तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर मेरा प्रोग्राम है, मैं क्या कर रहा हूँ स्किट लर्न की मदद से डेटा सेट मैं इंपोर्ट कर लूँगा। जो डेटा सेट है इस पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर लोड इरीज वही फ्लावर वाला जो डेटा है मैं इंपोर्ट कर लूँगा, जो पिछले में सितोसा वगैरह नहीं था। यहाँ पर ये सितोसा वर्सी कलर और वर्जिनिका, ठीक है। वही डेटा है, कुछ नया नहीं है, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था वही चीज़ है, ठीक है। तो डेटा मैंने इसके अंदर डाल लिया। अब क्योंकि ये सारा डेटा इससे एसोसिएटेड है, तो डेटा वाला पार्ट जो फीचर वाला पार्ट है वो एक्स के अंदर डाल दो, और भाई जो आउटपुट वाला पार्ट है वो वाई के अंदर डाल दो, ठीक है। डेटा डाल दिया, अब मेरे को स्प्लिट करना है, डेटा को स्प्लिट करना जरूरी है। ट्रेनिंग डेटा अलग होना चाहिए और अपना टेस्टिंग डेटा अलग होना चाहिए, तो इसी के आधार पे एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ये स्प्लिट करके डेटा को इसके अंदर डाल देगा। और ये रैंडम स्टेट के अंदर होना चाहिए, इनकी जो रैंडम स्टेट होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। अब मैंने क्या किया, डेटा को स्प्लिट कर लिया। अब भाई साहब मेरे को ये इम्पोर्ट करूंगा मैं गॉसियन एनबी को, इस क्लास को मैं इम्पोर्ट करूंगा, ठीक है भाई साहब। इम्पोर्ट कर लिया मैंने, अब मैंने इंपोर्ट करके मैंने क्या किया, इसकी एक ऑब्जेक्ट बना लिया। यही सेम इसके अंदर भी मैंने यही किया था, देखो अगर आपको याद हो पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि सेम इस तरीके से यहाँ पर मैंने एन एस्टिमेटर सिर्फ डिसीजन ट्री के अंदर दिया था, रैंडम फॉरेस्ट क्लास को मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट किया था। इसी तरीके से मैं यहाँ पर इस जो गॉसियन एनबी है, नाइव बायस जो अपना क्लासीफायर है, मैं इसको इम्पोर्ट कर लूंगा, इससे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसके अंदर डेटा को फिट करूंगा, एक्स ट्रेन और एक्स और वाई डेटा जो ट्रेन करने के लिए मैं इसको फिट करूंगा। अब मैं प्रिडिक्शन लूंगा, जो एक्स टेस्ट के ऊपर है मैं इसको प्रिडिक्ट करके देखूंगा क्या भाई साहब प्रिडिक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, और फिर बाद में मैं उसकी एक्यूरेसी चेक करूंगा। वो कैसे चेक करता हूँ, मैट्रिक्स को स्किट लर्न से मैट्रिक्स को मैं कॉल कर लूंगा, मैट्रिक्स को कॉल करके उसके अंदर एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन को कॉल करूंगा। स्कोर फंक्शन क्या करेगा, वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट जो हमारा डेटा उसके अंदर अंतर देखेगा भाई साहब कितने परसेंट वो एक्यूरेट है, एक्यूरेसी कितनी है, उसको मैं 100 में से मल्टीप्लाई करके
और परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूंगा, तो ये जो प्रोग्राम एक्यूरेसी आ रही है उसकी 95.0% आ रही है। आई होप आपको ये समझ में आया। ये कंप्लीटली एक कंटिन्यूअस डेटा के ऊपर था, क्योंकि हमें पता है कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि देखो ये इस पेटल की लेंथ जो है, जो उसकी विड्थ है, पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है, वो किस फॉर्म में है, कंटिन्यूअस डेटा फॉर्म में है। और वहां पर वो किस फॉर्म में था, यस और नो, एक डिस्क्रीट वैल्यू थी कि ये हो रहा है यहाँ पर, 0, 1, 2, सनी, हाई, हॉट, ये एक डिस्क्रीट वैल्यू हो जाती है। वहीं जो लेंथ है, सेंटीमीटर, मीटर, ये एक कंटिन्यूअस वैल्यू है। तो कंटिन्यूअस जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो फॉर्मूला लगेगा आपका fx इक्वल टू 1 अपॉन डिवाइडेड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल की पावर -1.05 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस आपका मीन डिवाइडेड बाय दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज रो। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया। अगर कोई डाउट है भाई गाइस, अगर इसके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए यार, और बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।